हाय गाइस, मैं उशान और आपका स्वागत है फैलबुल में एक बार फिर से एक नई जानकारी के साथ। फ्रेंड्स, ओटीजी केबल के बारे में तो हम सभी जानते हैं। ओटीजी का मतलब ही होता है ऑन द गो, यानी आप अपने फ़ोन में पिन ड्राइव वगैरह डायरेक्ट लगा के उस ओटीजी केबल से डायरेक्ट ही चीज़ें प्ले कर सकते हैं, अगर आपके फ़ोन में सफिशिएंट मेमोरी ना हो तो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओटीजी केबल के और सारे यूजेस हैं जो हम शायद जानते हों शायद ना जानते हों। आज मैं आपको ऐसे 10 यूजेस बताऊंगा ओटीजी केबल के जो शायद आप नहीं जानते हैं कि आप उनसे कर सकते हैं। सबसे पहले, आप अपने स्मार्टफोन से दूसरा स्मार्टफोन भी चार्ज कर सकते हैं अगर आपके पास ओटीजी केबल हो तो। दूसरा, स्मार्टफोन से आप अपनी पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी कनेक्ट कर सकते हैं, हालांकि आप अपनी मेमोरी स्टिक यानी आपका जो पेन ड्राइव है उसे तो कनेक्ट करते ही हैं, लेकिन आप अपनी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी कनेक्ट कर सकते हैं जो कि लैपटॉप और कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। आप स्मार्टफोन में जॉयस्टिक यानी अगर आप गेम वगैरह खेलने के शौकीन हैं तो आप जॉयस्टिक कंट्रोलर भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। स्मार्टफोन से आप यूएसबी लाइट या फ़ैन भी कनेक्ट कर सकते हैं ओटीजी केबल के द्वारा। कॉन्टैक्ट्स और मैसेज भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ओटीजी केबल से बिना ब्लूटूथ या वाईफाई के यूज़ किए हुए। स्मार्टफोन से कीबोर्ड और माउस भी कनेक्ट कर सकता है आपका ये ओटीजी केबल, और डिजिटल कैमरे को तो आप कनेक्ट कर ही सकते हैं। स्मार्टफोन से आप डायरेक्टली प्रिंटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे 10 ऐसे यूजेस ओटीजी केबल के जो शायद आपको नहीं पता था। तो दोस्तों, चलिए मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन जाते जाते अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि जानकारी जितनी आगे पहुंचे उतना ही अच्छा है।